मजबूत इच्छा शक्ति के आगे हर मुश्किल काम जो होता है वो आसान हो जाता है। इस बात को सही साबित करके दिखाया है कोरिया के शंकरगढ़ गांव के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक और छात्रों ने। जिले से 50 किलोमीटर दूर के इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किसी महानगर के कॉन्वेंट स्कूल की तरह फर्राटेदार इंग्लिश बोलते देखे जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं। इस स्कूल में लगभग 70 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं, जिन्हें स्कूल की शिक्षिका छोटे छोटे वर्ब याद कराती हैं और फिर छोटे छोटे सेंटेंस। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे हैं। अब सभी छात्र स्कूली छात्र छात्राएं आम बातचीत के दौरान भी अंग्रेजी शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। जरा सुनिए। हेलो, माय नेम इज सनू। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज मिस्टर सिमंगर। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। मीट माय फ्रेंड पुष्पा। हाय। Hello. Where do you live? I live in Kathmandu. How old are you? I am 10 years old. Nice to meet you. Nice to meet you too. Meet my friend Amil. पहले तो मैं हिंदी को प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि बिना हिंदी के तो इंग्लिश और साइंस कुछ भी नहीं समझा जा सकता है। फिर पहले हिंदी सीखे हैं, फिर धीरे धीरे इनको छोटे छोटे वर्ब याद करवाना शुरू की। मैं देखी कर ले रहे हैं, तो बस धीरे धीरे वर्ब, फिर छोटे छोटे वाक्य इंग्लिश में, फिर बस ऐसे ही धीरे से अपना इंग्लिश का इनका फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट कर ली। उनके लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की, जिसके लिए अभी हमारा जो अभी विशेष फोकस है वो अंग्रेजी पे है कि कहीं ना कहीं कुछ हमारे इस गांव के भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल मनेगर में भेजते हैं। इसके लिए हमने अपने शिक्षकों के सहयोग से बच्चों के लिए अंग्रेजी के का जो ये बोलने का जो मतलब वार्तालाप करने का वो है, उसके लिए हम लोगों ने तैयारी करवाई, ताकि जो बच्चे हैं तो आपस में जब जो डिस्कशन करेंगे और कहीं ना कहीं एक घर के जो उनके बच्चे को उनके माता पिता हैं वो देखेंगे, तो उनके मन में एक नया संदेश आएगा कि इस स्कूल में कुछ ऐसा विशेष हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्कूल के अध्यापक पवन दुबे जी जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम। वाकई में पवन जी, जो प्राइवेट स्कूलों के जो अध्यापक हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो आप लोगों ने करके दिखाया है। कैसे ये प्रेरणा मिली और कैसे इसकी शुरुआत आप लोगों ने कैसे इसकी नींव रखी? मैडम, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम जिस विद्यालय में पदस्थ हैं, ये एक सुदूर बनांचल एरिया का विद्यालय है और यहाँ छोटे छोटे गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे सामने एक विषम चुनौती थी कि हम इन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें। इसके लिए मैंने अपने स्टाफ के साथ एक बैठक की और इन स्टाफ के साथ मैंने ये एक प्लान बनाया कि जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और एक अंग्रेजी का जो हवा बना के खड़ा किया जाता है, तो मेरे सामने एक मैंने मॉडल पेश किया कि हिंदी माध्यम के बच्चे भी जो है तो अंग्रेजी में वार्तालाप कर सकते हैं। और मैंने अपने स्टाफ के साथ कार्य कर रहे हैं। पवन जी, बहुत संक्षेप में आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप लोग बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं कि भाई हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो भी इंग्लिश बोल सकता है, ये एक कार्य करके आप लोग बता रहे हैं, इसको लेके आप लोगों को शासन की तरफ से किसी तरह का सहयोग मिल रहा है? जी, शासन की तरफ से पूरा पूरा सहयोग है और जो कुछ थोड़ी बहुत कुछ ऐसा है भी सहयोग के लिए, तो अपन शासन से बिल्कुल निवेदन करेंगे और जो भी सुविधाएं शासन हमको उपलब्ध कराएगी। हम चाहेंगे पूरी स्वराज एक्सप्रेस की टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे स्टाफ को साधुवाद और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम सब कामना करते हैं, और चाहेंगे कि आपसे कई स्कूल, सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो भी सीखें और इस तरह की नजीर पेश करें। बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सहयोगी दिनेश कुमार द्विवेदी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ कोरिया से। दिनेश, वाकई में बेहद अच्छी पहल। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही अच्छी पहल है। ये शासकीय स्कूल जो शंकरगढ़ में प्राथमिक शाला है, वहाँ पर जो अध्यापकों ने एक नया एक कीर्तिमान रचा है कि भाई बच्चों को जो शासकीय स्कूलों में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है और इनको एक अलग कोर्स करके, एक अलग क्लास लेकर के स्पेशल इंग्लिश की इनको कोचिंग दी जाती है। और जैसे बोलते हैं ना कि जो जिले में शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर आते हैं छुट्टी मार देते हैं, लेकिन एक ये जो नई पहल हुई है वाकई में ये कारगर सिद्ध होगी। जी, वाकई में बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
आर्थिक तंगी से जूझ रहे इंदौर नगर निगम के सामने अब एक और